السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 95 سے پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو لا تقتلوا الصیدا نہ تم مارو شکار کو وانتم جبکہ تم حرم احرام میں ہو ومن اور جو کوئی قتلہو مارے گا اس کو منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر فجزاؤن تو بدلہ کفارہ ہے اس پر مثلو مثل ما اس کے جو قتل اس نے قتل کیا من النعامی چوپایوں سے یحکم فیصلہ کریں گے بھی اس کا زوا عدل دو انصاف والے منکم تم میں سے حدیم بالیگا بطور قربانی کے بالیگل کعبہ تھی جو پہنچنے والی ہے کعبہ میں او یا کفارتن کفارہ ہے تاامو کھانا کھلانا مساکین کچھ مسکینوں کو او یا عدل برابر ذالکا اس کے سیامن روزے رکھنے ہیں لیازو کا تاکہ وہ چکھے و بالا سزا امر ہی اپنے کام کی اللہ معاف کیا اللہ تعالیٰ نے اما اس سے جو سلافہ گزر چکا ومن اور جو کوئی آدھا پھر کرے فیان تاکیم تو انتقام لے گا اللہ اللہ تعالیٰ منہ اس سے واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز خوب غالب زنتے کام انتقام لینے والا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصیدا وانتم حرم اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے ہاں البتہ ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا استثناء احادیث میں آیا ہے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال عمرہ ادا کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے تمام صحابہ احرام باندھے تھے صرف میں نے احرام نہیں باندھا تھا دوران سفر ہمیں خبر ملی کہ دشمن غائقہ کے مقام پر ہے سو ہم نے ادھر ہی کا رخ کیا اب میرے ساتھیوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے میں اس وقت اپنی جوتی سینے میں مشغول تھا لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں اگرچہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اسے دیکھ لوں اچانک
जो मैंने ऊपर नजर उठाई तो मैंने उस गधे को देख लिया। मैं घोड़े की तरफ गया, उस पर जहन कसी और फिर उस पर सवार हो गया, अपना नेजा पकड़ लिया, लेकिन मेरा नेजा या कोड़ा गिर गया। मैंने उनसे कहा, मुझे कोड़ा पकड़ा दें, लेकिन उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तो उस काम में तेरी कुछ मदद नहीं करेंगे। मुझे गुस्सा तो आया, बहरहाल मैं उतरा और कोड़ा लेकर रवाना हो गया, यानी सवार होकर गधे के पीछे रवाना हो गया। फिर मैं घोड़े के जरिए उस पर हमला आवर हुआ और नेजा चुभो कर उसे रोक दिया। अब मैंने फिर उनसे मदद तलब की तो उन्होंने फिर मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। बाद में सभी ने उसमें से खाया। फिर मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिला तो मैंने अर्ज की कि हमने एक जंगली गधा शिकार किया है और उसमें से कुछ हमारे पास मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से किसी ने शिकार किया था या उस पर हमला करने के लिए तुम में से किसी ने कुछ कहा हो? सहाबा ने जवाब दिया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से जो अहराम बांधे हुए थे फरमाया, जो बचा है वो तुम भी खा सकते हो और तुम्हारे पास उसमें से कुछ है। चुनाचे मैंने उसका बाजू पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से तनावल फरमाया। बुखारी की रवायत है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांच मूजी जानवर ऐसे हैं जिन्हें हरम में कत्ल किया जा सकता है, कौवा, चील, बिच्छू, चूहिया और बावला कुत्ता। वमन कतलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउ मिस्लु मा कतला मिनन नआमी, यानी अहराम की हालत में शिकार जैसा शिकार मारे उसी के मुताबिक नजराना भी अदा करे, ख्वा वो शिकार भूल कर ही क्यों ना मारा हो। जैसा कि हदीस में आता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अहराम की हालत में शिकार मार डाले उसके जिम्मे एक मेंढे की कुर्बानी है। अबू दाऊद की रवायत है, हादियम बालिगल काबाती, यानी उस जानवर को मक्का मुअज्जमा में ले जाकर ज़िबह किया जाए और वहीं उसका गोश्त मिस्कीनों में तकसीम किया जाए। और कफारतुन ताअमु मसाकीना औ अदलु ज़ालिका सियामल लियज़ूका वबाल अम्रे। इस आयत में औ तख़यीर के लिए है, यानी शिकार करने वाले को इख्तियार है कि इन तीनों में से जो कफारा चाहे अदा करे। शिकार करदा जानवर की मिसल जो काबा यानी हरम में ले जाकर कुर्बान किया जाए या इसकी मिसल के मसावी कीमत का गल्ला बतौर कफारा मस्कीनों में तकसीम किया जाए या इसके बराबर रोजे रखे जाएं, यानी हर दो मद गल्ले एक किलो के बदले एक रोजा रखे। इमाम शाफी ने उससे मुराद सिर्फ उन जानवरों का कत्ल लिया है जो माकूल लहम है, यानी जो खाने के काम में आते हैं। दूसरे बड़ी जानवरों का कत्ल वो जायज़ करार देते हैं, लेकिन जमहूर उल्मा के नज़दीक इसमें कोई तफरीक नहीं। माकूल और गैर माकूल दोनों किस्म के जानवर उसमें शामिल हैं। अलबत्ता उन मौज़ी जानवरों का कत्ल जायज़ है जिनका इस्तना हदीस में आया है और वो पांच हैं, कौवा, चील, बिच्छू, चूहा और बावला कुत्ता। हज़रत नाफ़ी रहिमहुल्लाह से सांप के बारे में सवाल किया गया
तो उन्होंने फरमाया इसके कत्ल में तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। इब्ने कसीर और इमाम अहमद और इमाम मालिक और दीगर उलमा कराम ने भेड़िये, दरिंदे, चीते और शेर को क्लब यानी अकूर काटने वाले कुत्ते में शामिल करके हालत अहराम में उनके कत्ल की भी इजाजत दी है। जानबूझकर के अल्फाज से बाज उलमा ने ये इस्तदलाल किया है कि बगैर इरादा के यानी भूल कर कत्ल कर दे तो उसके लिए फिदिया नहीं, लेकिन जमूर उलमा के नजदीक भूल कर या गलती से भी कत्ल हो जाए तो फिदिया वाजिब होगा। होता अम्मीदन की कैद गालिब अहवाल के एतबार से है, बतौर शर्त नहीं है। मुसावी जानवर या उस जैसे जानवर से मुराद खलकत यानी कद्दो कामत में मुसावी होना है, कीमत में मुसावी होना नहीं। अहनाफ का मसलक है, मसलन अगर हरन को कत्ल किया है तो इसकी मिसल मुसावी बकरी है, गाय की मिसल नील गाय है वगैरह। अलबत्ता जिस जानवर का मिसल ना मिल सकता हो वहां उसकी कीमत बतौरे फिदिया लेकर मक्का पहुंचा दी जाए। मकतूल जानवर की मिसल मुसावी फला जानवर है और अगर वो गैर मसली या गैर मिसल दस्तयाब नहीं है तो उसकी इतनी कीमत है, इस कीमत से गल्ला खरीद कर मक्का के मसाकीन में फी मस्कीन एक मर्द के हिसाब से तकसीम कर दिया जाएगा। अहनाफ के नजदीक फी मस्कीन दो मर्द हैं। ये फिदिया जानवर या उसकी कीमत काबा पहुंचाई जाएगी और काबा से मुराद हरम है, यानी उनकी तकसीम हरम मक्का की हदूद में रहने वाले मसाकीन पर होगी। औ या तखयीर के लिए है, यानी कफारा इतआम मसाकीन हो या इसके बराबर रोजे, दोनों में से किसी एक पर अमल करना जायज है। मकतूल जानवर के हिसाब से तमाम में जिस तरह कमी बेशी होगी रोजों में भी कमी बेशी होगी। मसलन मुहरम यानी अहराम वाले ने हिरन कत्ल किया है तो इसकी मिसल बकरी है, ये फिदिया हरम मक्का में ज़िबह किया जाएगा। अगर ये ना मिले तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के एक कौल के मुताबिक छह मसाकीन को खाना खिलाना या तीन दिन के रोजे रखने होंगे। अगर उसने 12 सिंगा सांभरिया या इस जैसा कोई जानवर कत्ल किया है तो इसकी मिसल गाय है। अगर ये दस्तयाब ना हो तो उसकी ताकत ना हो या उसकी ताकत ना हो तो 20 मस्कीन को खाना खिलाना या 20 दिन के रोजे रखने होंगे। या ऐसा जानवर है शुतर मुर्ग या गोर खर वगैरह कत्ल किया है जिसकी मिसल ऊंट है तो उसकी अदम दस्तयाबी की सूरत में 30 मसाकीन को खाना या 30 दिन के रोजे रखने होंगे। इब्ने कसीर की रवायत है। रफीक फिरली वाली वालिदैया वाली मंदा खला बैतिया मुमिनम वाली मुमिनीना वाल मुमिनात सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।